नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पे। रेलवे ग्रुप डी के छात्रों के लिए सबसे बड़ी अपडेट आ चुकी है। जितने भी रेलवे ग्रुप डी के छात्र हमारे रिजल्ट का वेट कर रहे थे, अभी अभी रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी हो चुकी है। आज की वीडियो रेलवे ग्रुप डी के छात्रों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली, तो अंत तक बने रहे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। नई अपडेट आ चुकी है और आगे बढ़ने से पहले आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करें अधिक से अधिक छात्रों के पास, क्योंकि 26 छात्र यहाँ पे रिजल्ट का वेट कर रहे थे। सबसे बड़ी नोटिस रेलवे भर्ती बोर्ड ने जारी कर दी है। आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट कुछ एक दिनों में जारी होने जा रहा है और इसके संकेत खुद यहाँ पे आरआरबी भर्ती बोर्ड के अधिकारियों ने दे दिए हैं। और रेलवे भर्ती बोर्ड ने जारी किया है एक और अहम नोटिस। आपको बता दें, इस बार रिजल्ट में दो बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, दो बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के रिजल्ट में। जितने भी छात्र हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये महत्वपूर्ण अपडेट होंगे। आपको बता दें, आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट पर एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी कर दी गई है और साथ ही साथ रिजल्ट कब जारी किया जाएगा इस पर भी काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है कि आप सभी का रिजल्ट अब 15 से लेकर 18 तारीख यानी कि 15 से 18 दिसंबर 2022 के बीच में आप सभी का रिजल्ट ऑफिशियल साइट rrbcdg.gov.in पर जारी कर दिया जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं तो आरआरबी भर्ती बोर्ड ने कट ऑफ मार्क्स पर और आप सभी की मेरिट लिस्ट को तैयार करने का कौन सा फार्मूला जो है इस बार अपनाया जाएगा, पूरी अपडेट एक नोटिस जारी कर दी है। नोटिस के मुताबिक परसेंटाइल स्कोर के आधार पर मेरिट तय की जाएगी। जो अभ्यर्थी न्यूनतम मार्क्स जो है यूआर कैटेगरी के लिए 40%, EWS के लिए 40%, OBC SC और ST वालों के लिए यहाँ पे 30% जो है अंक अब अनिवार्य कर दिए गए। वही बात कर ले तो नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर जो है आप लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अगर आपके 40% नहीं होंगे नॉर्मलाइज स्कोर तो दोस्तों वहाँ पे आप लोगों को आउट ऑफ मेरिट कर दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ इस बार बता दें आपको, दो काफ़ी बड़े परिवर्तन किए जा रहे हैं रिजल्ट पर, क्योंकि रिजल्ट के ठीक बाद आप सभी के लेटेस्ट अपडेट आ रही है कि 3 जनवरी 2022 से 3 जनवरी 2023 से आप सभी की जो फिजिकल एग्जाम है PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होने हैं वो दोस्तों अब शुरू होने जा रहे हैं। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रिजल्ट आप सभी का आने वाले इसी हफ्ते में अब देखने को मिलेगा। रिजल्ट ज़्यादा अब डिले नहीं होने वाला है। आपको पता होगा यहाँ पे कुछ एक दिन पहले यहाँ पे ऑनलाइन जो है ट्विटर पे भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड किया था आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट जारी करो, और उसके बाद से ही यहाँ पे आरआरबी भर्ती बोर्ड ने काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट काफ़ी महत्वपूर्ण नोटिस जो है एक जारी कर दी है। और साथ ही साथ इस बार बात कर लेते हैं तो आप लोगों का जो कट ऑफ है वो दोस्तों गिरेगा। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो CBT फर्स्ट में यहाँ पे आप लोगों के करीबन 800,000 तक कैंडिडेट जो है बुलाए जा सकते हैं, ठीक है। फिजिकल के लिए तो यहाँ पे आप लोगों को बता दें फिजिकल में भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि फिजिकल में भी 1000 मीटर की आपकी एक दौड़ होगी, 4 मिनट में पूरा करना होगा कुछ सेकंड में। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे 35 किलो वजन उठाकर आप लोगों को करीबन 100 मीटर एक जो है दौड़ इसको बाधा रहे इसको भी पूरा करना होगा। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट है और काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट है, क्योंकि जनरल कैंडिडेट जितने भी हैं इस बार सेव स्कोर इनका 65 अगर प्लस स्कोर आ रहा है, नॉर्मलाइज स्कोर 65 प्लस आ रहा है तो एक सेव स्कोर कहा जा रहा है। वहीं हम OBC कैटेगरी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपका आपके स्कोर 55 प्लस के आसपास हैं तो दोस्तों आप लोग सेफ स्कोर मान सकते हैं। और ये नॉर्मलाइज स्कोर हैं, बढ़ा हुआ स्कोर है अगर आपके 40 या 45 अंक आ रहे हैं और वो भी कठिन शिफ्ट में तो दोस्तों वहाँ पे भी अच्छे खासे अंक बढ़ने के चांसेस हैं। SC कैटेगरी की बात कर लेते हैं तो 50 प्लस और ST कैटेगरी की बात कर लेते हैं तो 45 प्लस एक सेफ स्कोर इस बार जनरल OBC SC और ST के छात्रों का कहा जा रहा है। रिजल्ट बात कर ले तो यहाँ पे आपको आने वाले इसी हफ्ते में 15 से लेकर 18 के बीच में रिजल्ट ऑफिस